दिस इज आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोर शाला सो so बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर भी अपन कुछ और मेजर्स की यहां पे बात करने वाले हैं विच इज एंटी पोवर्टी मेजर्स सो लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों अपन ने काफी सारे एंटी पोवर्टी मेजर्स के बारे में बात करी थी कि भाई जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से पोवर्टी को रिड्यूस करने में लगी हुई है है ना अपन ने देखो उन मेजर्स uh, के अंदर उन प्रोग्राम्स uh, के अंदर अपन ने ये चीज़ देखी थी कि सरकार का मेन एम क्या है कि भाई उनको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है सरकार को ऐसा लगता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट हम ज्यादा से ज्यादा जनरेट करेंगे तो जो गरीबी है देश के अंदर वो क्या हो जाएगी वो रिड्यूज हो जाएगी ठीक है तो ठीक है वो सारे मेजर्स हमने अच्छे से देखे थे वो सारे प्रोग्राम्स हमने अच्छे से समझे थे तो आज के इस वीडियो में अलग क्या है सो so, देखो होता क्या है कि बहुत से ऐसे अप्रोचेस सरकार लेके आती है जिससे कि कोई भी ऐसा चैलेंज जो कि करंटली हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है ठीक है तो बहुत सी ऐसे मेजर्स लेके आती है सरकार पर जरूरी थोड़ा थोड़ी ना है कि हर उस मेजर से वो जो चीज है वो कम होती दिखे तो सरकार को क्या करना पड़ता है यहाँ पे दूसरी तरीके से भी काम करना पड़ता है सो so, आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन जो भी मेजर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ठीक है यहाँ पे अपन थोड़ा सा क्या करने वाले हैं इनोवेशन की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हर चीज में अब इनोवेशन हो रहा है अपन को पता है ठीक है पढ़ाई से लेकर के मतलब आप हर एक कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए इनोवेशन आज के टाइम पे सभी में पॉसिबल है पहले क्या होता था कि पहले अपन ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई करते थे नोटबुक से बुक से ठीक है या फिर टेस्ट सीरीज लेके आ गए उससे लेकिन आज के टाइम में क्या है इन सबको तो अपन फॉलो करते हैं नो डाउट ऐसा नहीं है कि इनको अपन ने छोड़ दिया है नहीं इन सबको तो अपन फॉलो करते हैं लेकिन अब अपन थोड़ा सा क्या हो गए इनोवेटिव हो गए हैं अब अपन लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं मोबाइल के थ्रू अपन पढ़ाई करते हैं ठीक है तो इससे होता क्या है इससे होता ये है कि अपन को जो अपना जो सोचने की क्षमता है वो और ज्यादा ब्रॉड हो चुकी है ठीक है तो गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि भाई देखो हम प्रोग्राम्स तो बना रहे हैं इन प्रोग्राम्स के हेल्प के थ्रू जिन जिनको भी हेल्प हो सकती है दैट इज गुड लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी इन प्रोग्राम से फायदा नहीं हो रहा है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कुछ और नया यहाँ पे इनोवेशन करना पड़ेगा ठीक है तो बस इसी चीज को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो और मेजर्स हैं दो और प्रोग्राम्स हैं जो कि अपन यहाँ पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? तो चलो इसको एक बार देखते हैं इधर ध्यान दीजिएगा द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था क्या होता है कि हर कंट्री कुछ गोल्स यहाँ पे सेट करती है ठीक है उन गोल्स के रिगार्डिंग कुछ टारगेट्स यहाँ पे सेट होते हैं फिर कुछ साल के अंदर अंदर उन टारगेट्स को अचीव करना उस कंट्री का क्या होता है मेन एम होता है ठीक है सभी कंट्रीज ऐसा करती हैं तो एस क्या हो गया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हो गया ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो गया पोवर्टी को कम करने का ठीक है यहाँ पे गोल बना लिया यहाँ पे फिर टारगेट सेट कर लिया कि भाई हमें पोवर्टी को इस इस तरीके से कम करना है अब देखो यहां पे कौन से की की बात की जा रही है? के अंदर जो एसडीजी थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उसके अकॉर्डिंग था क्या था कि भाई हमें 2030 तक क्या करना है पोवर्टी को बिल्कुल खत्म करके आना है ठीक है बिल्कुल ही खत्म है. एक्सट्रीमली जो पोवर्टी पुअर लोग हैं एक्सट्रीम पुवर्टी जो वहां पे लाई कर रही है यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसे हमें क्या करना है खत्म करना है ठीक है तो बस इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिडक्शन ऑफ पोवर्टी रिक्वायर्स इनोवेटिव अप्रोचेस इन आर कंट्री तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमारी कंट्री को भी क्या चाहिए कुछ इनोवेटिव चीज चाहिए ठीक है इनोवेटिव अप्रोचेस चाहिए जिसकी हेल्प से हम पुवर्टी को थोड़ा बहुत कम कर सकें ठीक है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू यूनाइटेड नेशन पोवर्टी को कम कर रहा है तो हमने हमको लगा कि यार हमें भी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पासा को पलटना पड़ेगा ठीक है कॉइन को हमें फ्लिप करना पड़ेगा अभी तक जो हमारे मेजर्स यहाँ पे बने हुए थे जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे बने हुए थे इससे बहुत से लोगों को अफेक्ट हो रहा है ठीक है कई हद तक हमारी पोवर्टी जो है वो कम हुई है बहुत हद तक कम हुई है लेकिन हमें क्या करना है बिल्कुल खत्म करना है या फिर बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे आना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें चीजों को पलटना पड़ेगा तो यहाँ पे क्योंकि इनोवे इनोवेशन का दौर चल रहा है तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका यूज करना पड़ेगा ओके सो फर्दर विद डेवलपमेंट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी वुड चेंजेस सो यहाँ पे क्या है कि भाई जैसा जैसा डेवलपमेंट हो रहा है तो हर चीज बदल रही है ठीक है हर एक चीज बदल रही है हमारे बात करने का तरीका बदल रहा है हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदल रहा है हमारे खाना खाने का तरीका बदल रहा है हम क्या खाते हैं ये चीजें बदल रही हैं ठीक है हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं ये चीजें बदल रही हैं हमें किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये चीजें बदल रही हैं तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि हम हर दिन डे बाय डे हम क्या हो रहे हैं डेवलप हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे जो गरीबी है है ना ये भी क्या हो रही है ये भी बदल रही है डेवलपमेंट जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे जो पोवर्टी है वो भी बदल रही है तो उस बदलती हुई गरीबी को खत्म करने के लिए यहाँ पे कुछ इनोवेटिव मेजर्स की जरूरत है और राइट ओके दो वी हैव बीन एबल टू मेटेन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी लास्ट ट्वेंटी इयर्स अब इस डेवलपमेंट के चलते हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बीस साल से क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है ठीक है सो दिसरी गुड पॉइंट बट दिस नॉट रिजल्टेड इन क्रिएटिंग लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेकिन द थिंग इज द प्रॉब्लम इज की हमारी ग्रोथ तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो चीज हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं दैट इज एम्प्लॉयमेंट सो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ रहा है ठीक है अब बच्चों इस तरीके की जो सिचुएशन होती है ना इसको पता है अपन किस नाम से जानते हैं इसको अपन कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है नो no डाउट बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है जैसा कि आपने इस पॉइंट में देखा लेकिन यहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है

और उसे हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन के नाम से जानते थे ठीक है लेबर इंटेंसिव कैपिटल कहते थे जिसे अपन लेकिन अब क्या हो गया क्योंकि अब सब चीजें बहुत जल्दी चाहिए आउटपुट हमें ज्यादा चाहिए टाइम हमें कम लगाना है कॉस्ट हमें कम लगाना है तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इन्होंने सोचा कि यार नहीं हमें कोई ऐसा तरीका यहाँ पे अपनाना पड़ेगा जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आए लेकिन आउटपुट जो है वो हमारा भरपूर आए तो सभी ने क्या किया कि यार लेबर इंटेंसिव को थोड़ा सा साइड करो अब हमें कैपिटल इंटेंसिव चलना पड़ेगा यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मशीनों का यूज लेना पड़ेगा, हमें को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो उन चीजों को यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है लेकिन कैपिटल को हम यूज कर रहे हैं अब अब लोगों को लेबर को तो हमने साइड कर दिया तो अब क्योंकि लेबर यहाँ पे असाइड हो चुकी है इसलिए यहाँ पे अनएंप्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है ठीक है तो so, इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है ये सिर्फ यहाँ ही नहीं यहाँ पे तो चलो ठीक है एक सिंपल से कॉन्टेक्सट में मैंने आपको ये चीज समझा दी लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो उस पॉइंट पे ये वाला जो सिस्टम है ना जॉबलेस ग्रोथ वाला ये वाली जो टर्म है ये आप बड़े ही मतलब डिटेल फॉर्म में समझोगे लेकिन थोड़ा सा मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया है क्योंकि ये पॉइंट हमारे सामने था इसको मुझे आपको समझाना था नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े फर्दर वी नीड टू मेक एंटी पोवर्टी स्कीम्स मोर इफेक्टिव तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें कुछ ऐसी स्कीम्स बनानी है जो कि ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो ओके फॉलोइंग न्यू अप्रोचेस आर वर्थ मेंशनिंग मैं तो यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं यानी कि दो मेजर्स हैं अपने पास में जो, जिसको यहाँ पे आप एक्सप्लेन अपने एग्जाम के अंदर कर सकते हो ठीक है जिसमें सबसे पहला है जन धन योजना आधार एंड मोबाइल जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं जैम ठीक है सो तो यहाँ पे देखो इसके नाम में ही आपको थोड़ा इनोवेशन दिख रहा होगा मोबाइल है आधार है तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि ये किन के थ्रू ये लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम सो so, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी उनके थ्रू ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है ठीक है इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ है कि इस प्रोग्राम के अंदर नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि भाई हमारे इकोनमी में जितने भी लोग हैं उन सभी का बैंक अकाउंट हो ठीक है बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है टू के अंदर ये वाला जो प्रोग्राम है इसको लेके आए थे हमारी सरकार ठीक है इसके अकॉर्डिंग यही था कि भाई सभी लोगों के पास में उनका खुद का बैंक खाता होना चाहिए ठीक है उनका आधार लिंक होना चाहिए जिससे कि कुछ भी फ्रॉड ना हो सबसे पहली चीज और अगर किसी को भी अगर किसी को भी लोन चाहिए या फिर किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए तो हर व्यक्ति बैंक के पास में जाकर के क्रेडिट फैसिलिटीज ले पाए तो यहाँ पे देखो मेन मेन जो चीज थी वो क्या थी कि जो भी जिम्मेदार होते हैं लैंड होते हैं जो भी इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं ना क्रेडिट के है ना जो इनफॉर्मल होते हैं सोर्सेज उनको क्या करना था अबॉलिश करना था उनको पूरी तरीके से हटाना था तो मोदी जी ने यही सोचा कि भाई इसके लिए हमारी जितनी जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उन सबका बैंक खाता होना चाहिए ठीक है मतलब इसमें बच्चों को ऑफकोर्स बच्चों को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो छोटे बच्चे हैं उनका भी जो मतलब उनका भी जो खाता होता है वो उनके पेरेंट्स के खाते से लिंक्ड होता है ऐसा कुछ था लेकिन मोस्टली जो बड़े लोग थे उन सभी का मोदी जी कहते थे कि भाई इन सभी लोगों का खाता होना चाहिए बैंक के अंदर जिससे कि इजीली इनको क्रेडिट मिल सके ठीक है बीच में कोई भी इंटरमीडिएटर ना आए ठीक है सो इस प्रोग्राम के अंदर यही चीज थी सो दिस ट्रिनिटी कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाइडनिंग द रीच ऑफ गवर्नमेंट टू दी वलरेबल सेक्शन तो यहाँ पे देखो वालनरेबल सेक्शन आपको पता है वो सेक्शन हमारी पूरी सोसाइटी का जिसपे किसी भी चीज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है तो वनरेबल सेक्शन अपने यहाँ पे किसको किसको माना है एक तो जो पुअर है ठीक है जो स्मॉल कास्ट से बिलोंग करते हैं ठीक है इन लोगों को अपने वालेबल सेक्शन यहाँ पे माना है सो so, पे ये वाला जो सेक्शन है वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए अगर इनको किसी भी चीज की मदद चाहिए तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से मांगे और गवर्नमेंट इनको हेल्प कर पाए ठीक है थीके? यहाँ पे किसी भी तरीके का जो बिचोला होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि क्या होता है कि बीच में जो अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा बीच में फायदा उठा लेता है इन तक फायदा पहुंच नहीं पाता है ओके सो दिस वुड प्रिवेंट द लीकेजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन इन द लॉन्ग रन तो यहाँ पे बच्चों जो लीकेजेस हैं वो कौन है वो जो मीडिएटर था बीच में वो ठीक है तो इसको हटाना है यहां से क्रे... क्लियर नाउ नेक्स्ट इज ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट तो मेन मोटिव क्या था कि भाई सभी लोगों का यहाँ बैंक अकाउंट ओपन हो अच्छा इस प्रोग्राम का मोटो था मोटो क्या था मेरा खाता भाग्य विधाता ओके okay? सो so, इसके मोटो को भी आपको ध्यान रखना है क्या है इसका मोटो मेरा खाता भाग्य विधाता ओके okay? सो so, ये क्या है ये थोड़ा इनोवेटिव साइड है पोवर्टी को कम करने का ऑल right सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है बच्चों इसको थोड़ा सा समझते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे देखो क्या हो रहा है कि आज के टाइम में सभी चीजें जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा किन चीजों का यूज किया जा रहा है मशीन्स का यूज किया जा रहा है ठीक है सभी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है यानी कि जितने लोग इनसे जुड़े हुए थे उन सभी के हाथों से उनकी जो जॉब है वो निकलती जा रही है ठीक है यहाँ पे सबसे पहली की चीज जिसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू जैसे अपन समझ सकते हैं वो क्या है कि जैसे कैब ड्राइवर्स जो होते हैं जो जो कि ड्राइवर्स होते हैं उनके हाथ से उनकी जॉब निकलने वाली है कैसे निकलने वाली है क्योंकि एक ऐसी गाड़ी आ गई है जो कि ऑटोमेटिक चलेगी टेस्ला ओके सो so, और बहुत सी ऐसी जगहों पे ऐसे रेस्टोरेंट्स में मेकडॉनल्ड वगैरह में क्या होने लग गया है कि बारकोट खुद अपने आप जो वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं वो खुद स्कैन कर लेते हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे भी लेबर लॉस हो गया है वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है ठीक है अपने आप आप खाना ऑर्डर करो अपने आप अपना Uh, जो भी बिल है उसको स्कैन करो पे कर दो ठीक है तो वहां पे किसी तीसरी की आपको जरूरत नहीं है ओके okay. सो so, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे लेबर के हाथ से उनकी जॉब निकलती जा रही है अगर इसी के बाद में अगर अपन बात करें कोविड की तो अपन सबको पता है कि कोविड के टाइम पे कितने ऐसे बिजनेसमैन थे कितने ऐसे प्रोड्यूसर्स थे कितने ऐसे लोग थे जिनकी हाथ से उनकी जॉब चली गई ठीक है तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है ठीक है और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी जैसे जैसे मशीनें आएंगी हर एक चीज की तो वैसे वैसे जॉब जो है लोगों के हाथों से जाने लगेगा ठीक है तो अब इस कंडीशन में बहुत से कंट्रीज के अंदर क्या स्टार्ट किया गया है बहुत से कंट्रीज ने ये स्टार्ट किया है अब कि भाई हम हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो दिया करेंगे फ्री में ठीक है इसके लिए हम हम नहीं चाहते कि ये लोग कुछ काम करें नहीं बस हम ये चाहते हैं कि हमारी जित इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं इनको हम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी हम इनको दें ठीक है सो काफी कंट्रीज में इसका डिस्कशन भी चल रहा है अभी तक जैसे स्पेन जैसे कंट्री के अंदर तो ये लागू भी कर दिया गया है ठीक है तो वहां पे क्या होता है कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि उस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको दिया जाता है कि एटलीस्ट जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं वो सर्वाइवल के लिए उनके पास में कुछ तो अमाउंट ऑफ मनी हो कि कम से कम वो अपना पेट तो भर सकें ओके okay, तो बस उसी चीज को सोचते हुए सरकार यहाँ पे क्या करती है सरकार एक बेसिक इनकम जो है वो सभी लोगों में लोगों में देती है ठीक है सो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा सो इट इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू वेरियस स्टेट सब्सिडीज फॉर पोवर्टी एलिवेशन इकोनॉमिक सर्वे सो यहाँ पे क्या है एक सब्सिडी की तरह इसको लिया जा, लिया जा रहा है ठीक है सब्सिडी की तरह कैसे क्योंकि सब्सिडी क्या होती है हेल्प होती है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है सो इट्स अ काइंड ऑफ सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट देती है पब्लिक को ओके दो इट इज स्टिल एट डिस्कशन लेवल अभी भी बहुत सी कंट्रीज में ये क्या है एक डिस्कशन लेवल है ठीक है एक डिस्कशन के लेवल पे ही अभी ये चीज चल रही है अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया है सो द यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड एज इज पे बेनिफिशरीज डायरेक्टली इनटू टू बैंक अकाउंट्स टू हेल्प रिड्यूस लीकेज ठीक है अब यहाँ पे जिन कंट्रीज में स्टार्ट कर दिया गया है उन कंट्रीज में क्या होता है बच्चों सरकार लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करती है क्रेडिट करती है ठीक है सो so, यहाँ पे ये ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट ताकि जो बीच में लीकेजेस हैं वो ना हो पाए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है जिस भी सेक्शन को सबसे ज्यादा जरूरत है अमाउंट ऑफ मनी की उनके पास में गवर्नमेंट डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ मनी है जो भी अमाउंट ऑफ मनी है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके पास में पहुंचा पाए ठीक है सो आई होप की यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा ओके okay? सो so, बस यहाँ पे ये दो ही मेजर्स मुझे आपको बताने थे जो थोड़े से इनोवेटिव हैं ठीक है ठीके? जो लास्ट वीडियो के अंदर अपने जिन प्रोग्राम्स के बारे में बात करी थी उन प्रोग्राम से थोड़ा सा हट करके हैं ठीक है और यहाँ पे बच्चों आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है ठीक है ये लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन पेंडिंग था तो मैंने सोचा कि भाई इसके लिए थोड़ा सा एक अलग वीडियो बनाया जाए छोटा सा ही सही लेकिन हाँ ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जो कि अलग से समझाने वाली है ठीक है सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा अगले वीडियो के अंदर समराइज करेंगे पूरे चैप्टर को और समरी के थ्रू इस पूरे चैप्टर को अपन समझेंगे और फिर ऑफ कोर्स अपन इसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो so, बच्चों अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू सो मच